राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर चरम पर है और दिल्ली के धूर्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अव्यवस्था का पूरा दोष केंद्र की मोदी सरकार के मथे मढ़ रहे हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी के इस मुश्किल दौर में केजरीवाल ने एक काम बखूबी किया है और वो है अपना चेहरा चमकाना विज्ञापनों के जरिए। 25 अप्रैल यानी आज दिन भर की बात करें तो सिर्फ एक चैनल इंडिया टुडे पर ही केजरीवाल लगातार बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, एकदम नॉट आउट। सुबह 9:56 से उनकी बैटिंग 2:51 तक चली है विज्ञापन के जरिए नाबाद। इसके अलावा न्यूज नेशन, TV9, भारतवर्ष, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत और News24 पर भी सीएम केजरीवाल का विज्ञापन लगातार आया। एक तरफ जहां पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन हाहाकार मचा हुआ है, तब केजरीवाल टीवी पर विज्ञापनों के जरिए नजर आ रहे हैं। RTI से पता चला है कि January 2021 में केजरीवाल सरकार द्वारा विज्ञापनों पर 32.52 करोड़ रुपए, February में 25.33 करोड़ रुपए और March में 92.48 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ऐसे हालात में जब कोरोना की दूसरी लहर से राष्ट्रीय राजधानी की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही है, केजरीवाल सरकार ने औसतन हर दिन 1.67 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। इसके अलावा हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड को देखें तो केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से दिसंबर 2020 में ही केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन के लिए राशि मुहैया कराई थी। केंद्र सरकार द्वारा यह राशि दिल्ली में 8 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए दी गई थी। केजरीवाल सरकार ने पैसा तो लिया लेकिन अब तक मात्र एक ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। केजरीवाल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।